हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करने वाले हैं यहां पर बीसीडी से रिलेटेड। ओके, 41 रुपए पे शेयर चल रहा है, बहुत ज्यादा। इसके जो ये शेयर बताने के पीछे का रीजन ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये स्टॉक्स 41 पे रहने लायक है नहीं। ये स्टॉक्स जब भी जाएगा अपर सर्किट में जाएगा और अच्छे खासे आपके पैसा बनाते हुए नजर आएगा। तो इसलिए मैंने आज ये शेयर खरीदा भी है। और आप अगर मुझे यहाँ पर फॉलो करते होंगे ट्विटर पे, ओके, या फॉलो कर लीजिए। हमने अभी चैनल क्रिएट कर लिया है जहाँ पर मैंने अभी आपको डर दी कि कल 20 ऑफ दिया था, अच्छा खासा भाग है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स काफी सस्ते में आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे चार्ट मैंने डाले हैं, एल्काइल अमाइंस देख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर बीसीजी का चार्ट भी मैंने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और भी चार्ट डाले जैसे जीएनए एक्सएल का डाला है, रेमंड्स का चार्ट डाला है, ओके, डेटामेटिक्स का चार्ट डाला है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भागने वाले हैं, इसलिए मैंने ये चार्ट पहले ही डाल दी है। इनसे रिलेटेड वीडियोज भी आती रहेंगी, बट यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एज वेल एज यहाँ पर हम एक क्लास शुरू करने वाले हैं जिसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर 1 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। ओके, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर दिए जहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस स्टॉक पिकिंग, रिसर्च, टेक्निकल, बेसिक टू एडवांस, और किस और 6 महीने की फर्स्ट बैच के लिए हैंड होल्डिंग भी है जहाँ पर आपकी सारी के सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर की जाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। आप चाहे तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी चीज बताई जाएगी जो यहाँ पर कोई नहीं बताता। सब यहाँ पर चीजें पहले ही बिचवा देते हैं, बट यहाँ पर चीजें बिचवाई नहीं जाएगी, यहाँ पर खरीदवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तभी आपको यहाँ पर पैसे अच्छे खासे कमाते हुए नजर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, एज वेल एज हमारे बैच में एनरोल करिए ताकि आपको यहाँ पर चीजें सीखने को मिले। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, बेल आइकन वगैरह सबको हिट कर लीजिएगा। तो बीसीजी की अगर हम बात करें तो बीसीजी पहले भी बताया था, ओके, लोग यहाँ पर जब ये लोअर सर्किट में यहाँ पर चलना शुरू हुआ था, ओके, मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ था ना 100 रुपए के आसपास, यहाँ पर था, तब मैंने यहाँ पर शेयर को बेच दिया था। तो क्यों बेच दिया था? क्योंकि यहाँ पर चार्ट बनते हुए नजर आ रहे थे, ये चीजें बनती हुई नजर आ रही थी कि जो बिचवा रही है। तो यही चीजें मैं आपको यहाँ पर जो हमारी क्लासेस शुरू होगी, जो मैं बता रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस टेक्निकल भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो क्यों बेचा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी जब हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो एक बार एनरोल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, कंपनी आईटी की दिग्गज कंपनी है एंड फॉर्म इन 2010 एज लाइकॉस इंटरनेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर 2010 में बनी थी, वाज रीनेम टू ब्राइटकॉम बाद में 2018 में बीसीजी के नाम से यहाँ पर जानी गई। इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाहर बिजनेसेस आ रहे हैं, सब चीज आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो ये चलन है वो ये आगे और बढ़ने वाला है और उसमें ये कंपनी एक तरीके से लीडर के तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है। ऑनलाइन एंड और बात करें टू डायरेक्ट मार्केटर्स, ब्रांड एडवाइजर एंड मार्केटिंग एजेंसी थ्रू इट्स 3 मेजर डिवीजन, जिसमें मीडिया, एड टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी आपको वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है जहाँ पर आपको सब चीज मिलता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर चीजें। और याद रखिए, ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, काफी बड़ा बिजनेस है। और मोस्टली इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर कहाँ से किया जाता है, बाहर से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए ब्लू चिप एडवाइजर्स की बाद में बात करें एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, यहाँ पर हुंडई मोटर्स, आईसीआईसीआई, आईटीसी, आईएनजी, लेनोवो, एलआईसी, मारुति, एमटीवी, पीएनजी, कतर, सैमसंग, वायकॉम, सोनी, स्टार इंडिया, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर पब्लिशर, इंक्लूड फेसबुक, यहाँ पर फॉरेन की कंपनीज की बात करो, लिंक्डइन, एमएसएन, ट्विटर, याहू, ये सारे के सारे जो है कौन है यहाँ पर इनके क्लाइंट्स नजर आते हैं। वर्क्स विद एजेंसीज लाइक हवास डिजिटल, यहाँ पर मीडिया कॉम, JWT, माइंडशेयर, नियो, इसके अलावा ओजिल वन, OMD, यहाँ पर देखिए जितनी भी कंपनीज हैं सबके साथ यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। बहुत सारे यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं बाहर के, माइक्रोमैक्स वगैरह। ओके, कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है, इंडिया में प्रेजेंस है, हर तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा नजर आती है। और बिजनेस क्या है, वही यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा प्लेयर। स्मॉल कैप कंपनियां, मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप कंपनी
एक ऐसी कंपनीज होती है जो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है पैसे देने के लिए। ओके, गिरेगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जब गिरेगी तो इसी तरीके से गिरती हुई नजर आएगी। देखिए यहाँ पर था, ये गिरा, यहाँ पर था, फिर गिरा, यहाँ था, फिर गिरा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर देखिए क्या रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 2 रुपए वाला स्टॉक 117 पे हुआ, बोनस भी दिया, और उसके बाद दोबारा यहाँ पर आधे से, मतलब आधे से भी ज्यादा यहाँ पर शेयर 60-70% यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, फिर भागा था, फिर दोबारा उसी लेवल पे मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देनी है, याद रखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए बोनस की बात करें, 2021 में 1:4 का बोनस दिया, 2022 में फिर बोनस दे दिया कि लो भाई और बोनस लो, तो बार बार दो दो साल में 2 बार बोनस दे चुका है। डिविडेंड की बात करें, कंपनी यहाँ पर लगातार डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, कंपनी काफी अच्छी यहाँ पर साउंड नजर आती है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट है कंपनी के, जो सेल्स लगातार बढ़ी है इस बार। यहाँ पर देखिए दिसंबर 2021 में हाईएस्ट एवर सेल्स थी, बट स्टिल थोड़ी सी कम हुई, फिर दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हाईएस्ट एवर वो नंबर्स आए थे। मार्जिन अच्छे खासे है 31% के, ओके, एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट 277 करोड़ रुपए का है, जो कि क्वार्टरली ओके और ईयरली दोनों बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। तो एक आध क्वार्टर में नहीं कह सकता कि यहाँ पर शायद परेशानी हो सकती है, बट इस तरीके के शेयर जब मार्केट भाग रही होती है तो रुकते नहीं है, साथ साथ भागते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोचेंगे कि 2 महीने बाद लेंगे, 2 क्वार्टर बाद लेंगे, तो उस टाइम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वो नहीं रहेगी जो अपॉर्चुनिटी आज है। और मैं हमेशा बताता हूँ, शेयर बेशक से यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर शेयर गिरा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा 80% गिरा, 70% गिरा, बट यहाँ से यहाँ भागेगा तो 150% के रिटर्न मिलेंगे, इस चीज को भी याद रखिएगा। सेल्स की बात करें, ईयरली बेसिस पे 467 करोड़ की सेल्स, 5,846 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ की सेल्स के पास पहुंच गई है, तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है। कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76 करोड़ से 1,800 करोड़, ये प्रॉफिट बताता है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से 1,000 करोड़ पहुंचा है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये सारी चीजें बता रही है कंपनी ग्रोथ में है, कंपनी इज डूइंग वेल, कंपनी में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। एज वेल एज ईपीएस की बात करें, कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे शेयर को छोड़ना एक बेवकूफी होगी तब जब शेयर बिल्कुल नीचे आ गया है। एज वेल एज यहाँ पर देखिए कंपनी का आरओसी 29 का आरओसी है, याद रखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि अच्छे खासे इस तरीके के जो आरओसी, आरओई और सीएजीआर की कंपनीज होती है करोड़पति बनाती है। डेट फ्री शेयर है, किसी तरीके का डेट नहीं है, इंडस्ट्री का पी 31 का है, और इसका बात करें तो 7 का, तो बड़े सस्ते में शेयर मिल रहा है, ओके, डिविडेंड भी अच्छा है, 2 का फेस वैल्यू भी है, ओके, और यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू 64 है, तो यहाँ से 64 तक भी जाता है तो आपका पैसा 50% तो यहीं पर ही बन गया, तो इस चीज को भी याद रखिए। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, एज वेल एज रिजर्व्स कंपनी के पास, देखिए बोनस दो दो बार बोनस दे दिया, बट स्टिल यहाँ पर कितने, लगभग 4,891 करोड़ के आसपास के अभी भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बोरिंग किसी तरीके की नहीं है, 82 करोड़ रुपीज वन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में लगा रखे हैं, 536 करोड़ रुपीज यहाँ पर इनके पास कितने इन्वेस्टमेंट है। एज वेल एज कैश की बात करें तो कंपनी का 745 करोड़ रुपए का कैश भी पड़ा हुआ है, तो छोटी मोटी नहीं, बड़ी कंपनी है। अब देखिए पॉजिटिव चीजें, प्रमोटर्स ने बेची है, एक नेगेटिव पॉइंट है ये, नो डाउट, ओके, 39 से 18 हो गए है, बट यहाँ पर कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर FIs FIs ने 7% से 13% की होल्डिंग हो गई है, और देखिए हर बार यहाँ से दिसंबर में 1% के शेयर थे, जो कि यहाँ पर मार्च 2022 में 22 के हो गए, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी इन्होंने लगभग 1.5% के शेयर यहाँ पर खरीदे हैं। तो इस चीज को देखिए, FIs लगातार खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। DIs भी धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पब्लिक की बात करें 67% के शेयर है, बट 67 में भी देखेंगे कुछ बड़े बड़े नाम है लेके रख रखे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक नाम है शंकर शर्मा, आपने इनके इंटरव्यूज भी सुने होंगे, 1.24% के शेयर है, इन्होंने भी ऊपर लेवल से ले रखे हैं, तो हम तो यहाँ पर ऊपर के लेवल से निकल गए थे, ओके, बट ये लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, बट यहाँ पर चार्ट नाम की भी चीज होती है, जब चार्ट और फंडामेंटल जब दोनों मिल जाते हैं तो चीजें और बेहतरीन नजर आती है। तो चार्ट और फंडामेंटल को किस तरीके से मिलाना है वो हम यहाँ पर अपने जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आपको सिखाते हुए नजर आएंगे। तो अब चार्ट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके का ये चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है देखिए यहाँ पर इस लेवल से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देखिए इस जो हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन खींच रखी है, इधर से भी ऊपर जा रहा है टच करके, तो यहाँ से नीचे नहीं आना, यहाँ से केवल ऊपर ही ऊपर जाना है, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक बेहतरीन सपोर्ट लाइन हमें दिखाई देती है, तो इसी को टच करके ऊपर जा रहा है। यहाँ नीचे 39 मतलब
एक आध रुपए का यहाँ पर लॉस हो सकता है, और ज्यादा की बात करें तो यहाँ पर चीजें 2800 रुपए तक आ सकती है, आपका पैसा आधा हो सकता है। बट चीजें जब ऊपर जाएगी ना, तो आपका पैसा आधा नहीं होगा, आपका पैसा सबसे पहले टारगेट 17% के, दूसरे टारगेट 38% के, ओके, तीसरे टारगेट 50% के, चौथे टारगेट 69% के, पांचवे टारगेट यहाँ पर 104% के, और फिर उसके बाद 164% के, और जब हाईएस्ट एवर लेवल पे पहुंचेगा ये शेयर, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर पैसे बनते हुए न जाएंगे 179, और यहाँ तक भी जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा, 200% के पूरे टारगेट बनेंगे, राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, सब गिरावट थोड़ी सी, तो इसे ही कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, गिरावट थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, वॉल्यूम बेहतरीन, थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है ऊपर जाने में, बट जब भागेगा अच्छे खासे रिटर्न देके जाएगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा, ओके, पैसा बेहतरीन बनेगा, और जब भागेगा तो यहाँ पर अपर सर्किट लगेंगे, ओके, और जैसे गिरा था लोअर सर्किट में, आए भागेगा भी अपर सर्किट में। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एज वेल एज हमारे जो ये पर्टिकुलर बैच शुरू होने वाला है, जहाँ पर हम केवल लोग या तो टेक्निकल सिखाते हैं या रिसर्च सिखाते हैं, और बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, ना ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, और केवल पिकिंग रिसर्च और टेक्निकल बस सिखाने का मकसद है, इस वजह से यहाँ पर क्लासेस शुरू कर रहे हैं, दैट्स इट, कोई कमाने का मकसद नहीं है, कोई किसी तरीके की चीज नहीं है। आइए एनरोल करिए, डिटेल्स लीजिए ताकि आपको चीज समझ में आए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।